सैम की वाइफ के एक फायर में डेथ हो जाती है और इसके बाद 3 साल बीत गए थे और वो एक मूवी में उसे देखता है। अब उसे लग रहा था कि यही उसकी वाइफ है और इसे परस्यू करने के लिए वो चला जाता। जो भी हुआ था इसके पीछे बहुत सारे राज हैं। ये आज के हमारी मूवी लास्ट मोमेंट ऑफ क्लेरिटी 2020 के एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर सैम को देखते हैं। उसे एक सपना आया और इसे वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसका फिर रूटीन हमें दिखाया जाता है। वो पास के कैफे शॉप में काम करता है। वहाँ का ओनर उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। सैम हमेशा अपनी लाइफ डर डर कर जीता है। उसे लगता है कि हमेशा उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है। एक दिन मूवी देखकर वो घर जा रहा था, तभी भी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो जल्दी से उस पर वो हमला कर देता है। वो बेचारा आदमी सिर्फ अपने काम से घर जा रहा था। सैम को हमेशा अपनी वाइफ की बहुत याद आती है, जिसकी 3 साल पहले एक फायर में डेथ हो गई थी। अब ये सब कैसे हुआ था इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। एक फ्लैशबैक में दोनों एक दूसरे से बात करते हुए हम देख सकते हैं। सैम की वाइफ का नाम था लॉरेन। लॉरेन उसे पूछती है, क्या तुम किसी और से प्यार कर सकते हो? सैम कहता है कि कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। लॉरेन एक्ट्रेस बन रही थी तो कहती है, मैं अगर सक्सेसफुल नहीं हुई क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगे? सैम मजाक में कहता है, तुम अभी भी सक्सेसफुल नहीं, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या अगर तुम सक्सेसफुल होके तो मुझसे प्यार करोगी? लॉरेन भी इसके लिए हाँ कहती है। इनकी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल थी। सैम को हमेशा सैड देखकर उसका फ्रेंड गिल्स उसे कहता है कि अब 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें किसी लड़की से मिलना चाहिए, उसके साथ डेट पर जाना चाहिए, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। सैम ये करने के लिए रेडी नहीं होता और हमेशा उसे लॉरेन की याद आती रहती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लॉरेन को गोली लगी थी। लॉरेन ने एक बार सैम से कहा था कि इसी ब्रिज पर तुम मेरे प्यार में पड़ोगे, और उसी ब्रिज को अब तक सैम विजिट करता रहता है। एक दिन वो एक न्यू मूवी देखने के लिए गया। वहाँ की जो एक्ट्रेस थी ये उसे लॉरेन की तरह ही लगती है। वो पूरी तरीके से श्योर होने के लिए उसकी बहुत सारी फोटोज देखता है। अब वो कन्फर्म हो चुका था कि यही एक्ट्रेस लॉरेन है। सारी फोटोज उसने अपने फ्रेंड गिल्स को दिखाई। गिल्स उसे कहता है कि दोनों सेम पर्सन नहीं है, तुम जिस तरीके से इन सब चीजों से अब्सेस्ड हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। रात में सैम ने लॉरेन की मदर को कॉल किया। उसे लॉरेन के बारे में पूछता है, पर वो मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती कि मेरी बेटी की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से गई। कॉल खत्म हो जाने के बाद लॉरेन की मदर ने डीडीटू को कॉल कर सैम के बारे में बता दिया, जो हमेशा सैम को ढूंढ रहा था। उस फायर के बाद सैम उस सिटी से भाग गया था, इसी वजह से डीडीटू उसे ढूंढ रहा है। इसका नाम है बिल। अगली सुबह सैम गिल से मिला। उसे कहता है कि अब मैं एले जाने वाला हूँ। गिल को समझ चुका था कि सैम को रोक नहीं सकता। शायद मीटिंग इनकी आखिरी हो, इस वजह से गिल्स ने उसे बहुत सारे पैसे दे दिए, कहा कि तुम्हें काम आएंगे। सैम के चले जाने के बाद उसको ढूंढते हुए बिल वहां पर पहुंचा। वो गिल से मिलता है और सैम के रूम तक पहुंच गया था। उसकी रूम जब वो देखते हैं तो पूरी वॉल न्यूज़पेपर कटिंग से भरी हुई थी। 3 साल पहले फायर का एक्सीडेंट जो हुआ था, इसके सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स यहाँ पर है। लॉरेन की और जिस एक्ट्रेस को लॉरेन समझता है, जिसका नाम है जॉर्जिया, इसकी बहुत सारी फोटोज यहाँ पर थी। अब बिल को पता था कि सैम कहाँ जाने वाला है। सैम एले पहुंच कर जहां पर मूवी की स्क्रीनिंग चल रही थी वहां पर आ जाता है। वो डायरेक्टली अंदर घुसने वाला था, पर उसे कैट ने रोक लिया। कैट यहाँ पर काम करती थी। सैम ने थोड़ी देर बाद एक्ट्रेस जिसका नाम है जॉर्जिया इसे दूर से देखा। वो अब भी कन्फर्म नहीं था। ये जब इवेंट खत्म हो जाता है तो कैट सैम को अप्रोच करती है, कहती कि क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? सैम एक्चुअल में कैट की ब्रदर का फ्रेंड था। वो हमेशा उसके घर पर आया करता था। इस इवेंट में सैम लॉरेन का नाम चिल्ला रहा था तो कैट उसे कहती है, मैं तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहती हूँ, चलो हम बात करते हैं। सैम उसे फायर एक्सीडेंट के बारे में, उसे लगता है कि लॉरेन जॉर्जिया है, इन सब चीजों के बारे में उसे बता देता है। कैट इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, तो सैम ने उसे कहा कि अगर तुम जॉर्जिया का बैकग्राउंड चेक करो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बड़ा चांस है कि लॉरेन ही जॉर्जिया है। मैं सिर्फ एक बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता था, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। कैट ने जरा इसके बारे में सोचा और इसके बाद वो सैम को जॉर्जिया से मिलाने के लिए लेकर गए। एक पार्टी होने वाली थी जहां पर कैट और जॉर्जिया दोनों इन्वाइटेड थे। ये दोनों वहां पर पहुंचे, थोड़ी देर में जॉर्जिया भी वहां पर आई। कैट कहती कि पहले मैं जॉर्जिया से मिलकर आती हूँ, इसके बाद तुम आना। कैट ने जॉर्जिया को सैम दिखाया, पर जॉर्जिया उसे पहचानती नहीं थी। ये बात आकर कैट ने सैम से कही। सैम कहता है कि मैं पास जाकर उसे मिलकर आता हूँ। उसके पास गया, उसने लॉरेन को जो नेकलेस गिफ्ट किया था यही जॉर्जिया भी पहन रही थी। इसका मतलब है वही वो हो सकती है। उसने उसका नाम पुकारा पर जॉर्जिया उसे नहीं पहचानती।
वो उससे कुछ कह पाता तभी जॉर्जिया का बॉयफ्रेंड वहां पर पहुंच जाता है। कुछ काम था तो उसे लेकर गया। सैम ने उस नेकलेस की बात कैट को कही। कैट कहती है उस तरीके का नेकलेस बहुत सारे लोगों के पास होता है, मेरे पास भी था। कैट फिर सैम को उसके घर पर लेकर गई। वो उसे पूछती है क्या तुम मुझे ज्यादा रिमेम्बर नहीं करते। सैम कहता है कि तुम रिबेलियस टाइप थी, तुम्हें म्यूजिक पसंद था। कैट ने कहा इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी। कैट एक सक्सेसफुल बैंड में थी, उसे एक रिकॉर्ड डील भी मिली थी, पर अपनी खुद की बुरी आदतों की वजह से उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। फेल्यूर आने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। वो सैम से कहती है कभी कभी आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, जो आप थे वही हमेशा नहीं रह सकते। आज रात सैम को उसने यहीं पर सोने के लिए कहा। सैम काउच पर सोने वाला था पर वो कहती है कि मेरा बेड छोटा है पर हम दोनों वहां पर फिट हो सकते हैं। सैम जैसे ही बेड में गया वैसे उसे नींद आ जाती है। रात में फिर से उसे लॉरेन की सपने आए। एक कैट ने देखा और उसे पूछती है क्या तुम इस बात को जाने नहीं दे सकते। सैम कहता है कि अभी नहीं। सुबह होते ही वो फिर से लॉरेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, पर कैट ने कहा कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। कैट जॉर्जिया के फोटोग्राफर को पहचानती थी, उसके ऑफिस में हो गए और वहां से जॉर्जिया का एड्रेस निकाल लेती है। जॉर्जिया अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जिसका नाम है थॉमस। ये थोड़े दिनों में शादी भी करने वाले थे। इन्होंने एड्रेस वगैरह निकाला। कैट ने सैम को समझाने की कोशिश की कि 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल पहले जो भी हुआ था इससे लोग मूव ऑन कर जाते हैं, तुम्हें भी अपनी लाइफ से मूव ऑन करना चाहिए। तुम अब अगर उसे मिले तो उसकी लाइफ में वो आगे बढ़ चुकी है, तुम दोनों के बीच में कुछ ज्यादा हो नहीं सकता। सैम इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। फिर सैम और कैट जॉर्जिया के घर के बाहर पहुंच गए, रात तक उसका वेट करते हैं। रात में जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार में गई, वो भी उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं। सैम और लॉरेन का एक फेवरेट रोमांटिक गाना था, इसे सैम ने चलाया। इसे जॉर्जिया जरा डिस्टर्ब हो गए और वो बाथरूम में चली जाती है। उसी के पीछे पीछे सैम आ गया। सैम ने उसे बात करने की कोशिश की पर जॉर्जिया उसे कह दी कि लेडीज रूम है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं मेरी बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी। सैम की इस तरीके से बेइज्जती होने के बाद वो कन्फर्म था कि जॉर्जिया लॉरेन नहीं है। वो बार में अकेला ड्रिंक करना चाहता था तो कैट गाड़ी में बैठी। सैम को ढूंढते हुए बिल और उसके आदमी यहाँ पर पहुंच चुके थे। सैम के पास आकर एक आदमी बैठा और वो कहता है तुम वही हो। सैम को फायर की रात याद आती है, वहां पर नीचे उसने इस आदमी को देखा था। अब वो आदमी सैम पर हमला करने वाला था तो सैम उसे इंजोर कर देता है। जब वो बाहर निकला तो और एक दूसरा आदमी उसे मारने लग गया। कैट ये देखकर उस आदमी को पेपर स्प्रे मार देती है। जल्दी से वहां से भाग कर आ गए। जब ये सेफ जगह पर पहुंचे तो कैट पूछती है कि वो सब क्या था। सैम कहता है कि मेरे पीछे एक माफिया है, उस पर पुलिस ने भी अटेम्प्ट टू मर्डर की केस लगाई थी, इसी वजह से सब कुछ छोड़कर वो भाग रहा था। अब वो कैट से कहता है कि मैं यहाँ से दूर चले जाने वाला हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी ढूंढ ना सके। कैट एक्चुअल में बचपन से सैम को बहुत ही लाइक करती थी तो उसके साथ कहीं भी चलने के लिए रेडी है। सैम भी उसकी बात समझ पाया। ये दोनों करीब आ गए थे तो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। रात में सैम के पास जॉर्जिया वापस आ गई। वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती। वो कहती कि तुम इस तरीके से मेरी लाइफ में फिर से वापस कैसे आ सकते हो, वो गुंडे अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुमने उनसे कितने पैसे लिए थे। सैम कहता है कि मैंने उनसे कुछ भी पैसे नहीं लिए, मैंने गैम्बलिंग पूरी तरीके से छोड़ दी थी। एक दिन मैं अपने अपार्टमेंट से फोटोज ले रहा था तभी मैंने देखा कि एक आदमी ने एक लड़की को मार डाला। ये आदमी और कोई नहीं तो माफिया का बॉस था। उसी माफिया ने फिर सैम को मारने के लिए कुछ लोगों को उनके अपार्टमेंट में भेज दिया था। उन आदमियों में से सैम ने एक आदमी को मार डाला था और इस फाइट में जॉर्जिया को गोली लगी थी। घर में आग लग गई और सैम को लगा कि जॉर्जिया की डेथ हो चुकी है। सैम के सब बताने के बाद जॉर्जिया जिसका रियल नेम है लॉरेन इसकी सारी गलतफहमी चली जाती है। वो उससे कहती है कि अब मेरा एक फियांसे है, मेरी यहाँ पर लाइफ है, अब हम क्या कर सकते हैं। सैम कहता है तुम्हारी याद में मैं पेरिस में रह रहा था, तुम्हारे लिए मैं यहाँ तक आया, जिस ब्रिज पर मुझे तुमसे प्यार हुआ था यहाँ पर मैं हमेशा जाया करता था। लॉरेन ने कहा कि अब मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। तो सैम कहता है तो फिर अब भी तुम मेरा दिया हुआ नेकलेस क्यों पहनती हो। इस बात का लॉरेन के पास कोई भी जवाब नहीं था। ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब उस रात के बारे में लॉरेन ने सैम से कहा। वो कहती कि मुझे शोल्डर पर गोली लगी थी, थोड़ी देर में उसे होश आया तो घर में आग लगी हुई थी। वो बिल्डिंग के पीछे के स्टेयर्स लेकर वहां से भाग गई। उसकी जान अभी भी खतरे में थी। वो सैम पर बहुत गुस्सा थी, उसे लग रहा था कि सैम ने अब भी उसकी आदतें छोड़ी नहीं है, तो इस वजह से अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए लॉस एंजलिस में आ गई। वहां पर उसे एक अच्छा ब्रेक मिला और इस वजह से एक्ट्रेस बन गई। वो सैम से कहती है हमने 3 साल लॉस कर दिए, हम अब आगे पूरी लाइफ बहुत एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गिल माफिया के आदमी से मिलने के लिए आया हुआ था,
इसका नाम है काल। सैम ने उस रात जिस आदमी को मार डाला था एक काल का ब्रदर है, इसी वजह से काल उसे मारना चाहता है। पर इसी टाइम पर माफिया ने बिल को सैम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। काल ये बिल के वे में आ सकता है तो उसे वार्न करने के लिए बिल उसके पास गया हुआ था। काल उसे थोड़ा सा भी नहीं डरता, उसे जो करना है वही वो करेगा। सुबह होने पर लॉरेंस सैम से कहती है, घर जाकर मैं मेरा सारा सामान लेकर आती हूँ। इसके बाद वो इस कंट्री से निकल जाने वाले थे। लॉरेंस को जाता हुआ कैट देख लेती है, वो भी सारी बात समझ गई थी। सैम खुश है तो कैट भी उसके लिए खुश थी। सैम ने कैट से कहा कि मुझे एक काम करना है, जब तक माफिया का बॉस जिंदा है तब तक सैम और लॉरेंस दोनों सेफ नहीं। अब सैम जाकर उस बॉस को मारने वाला था, इसकी हेल्प उसने कैट से ली। कैट को आइडिया पसंद नहीं आता, फिर भी उसकी वो हेल्प कर दिया। माफिया के बॉस की हालत बहुत ही खराब थी और वो हॉस्पिटल में था। सैम फिर डॉक्टर का कोट पहनकर माफिया के बॉस से मिलता है। उसने कहा कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मैंने तुम्हें 3 साल पहले मर्डर करता देखा था और तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। बॉस ने कहा कि मैंने जिसे मारा था वो मुझ पर चीट कर रही थी, मुझे रियलाइज हुआ था कि प्यार वगैरह ऐसी कुछ भी चीज नहीं होती। सैम उसे धमकाता है कि अपने ऑर्डर्स वापस ले लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉस ने कहा कि मैं वैसे भी कैंसर से मरने वाला हूँ, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी वो सैम को जाने देता है। अब बॉस मरने वाला है तो सैम उसके लिए थ्रेट नहीं। अब प्रॉब्लम यह था कि सैम ने काल के ब्रदर को मारा है तो अपने ब्रदर का बदला लेने के लिए काल उस पर हमला कर सकता है। इस सिचुएशन के बारे में सैम को अब तक पता नहीं है। रात में बिल सैम को मारने के लिए आया, तभी बिल को बॉस का कॉल आ जाता है कि सैम को उसे छोड़ देना है, तो बिल उसे छोड़कर चला जाता है। सैम को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि फाइनली अब उसे कोई भी मारने नहीं वाला। काल को जब ये बात पता चली कि बॉस ने सैम को छोड़ दिया है तो उसके पास वो पहुंचता है। वो बॉस पर गुस्सा आता और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। बॉस कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा। काल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो बॉस को ही मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉरेंस अपना सब सामान पैक कर जब घर से बाहर निकल रही थी, तभी उसका बॉयफ्रेंड थॉमस वहां पर आ गया। वो समझ नहीं पाता कि यहाँ सब कुछ चल कह रहा है। लॉरेंस उससे कहती है, मेरा एक्चुअल नेम जॉर्जिया नहीं है, मेरे बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक तुम नहीं जानते। ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी सैम लॉरेंस को लेने के लिए आ गया। थॉमस भी सब कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा था। वो जॉर्जिया से बहुत प्यार करता है तो उसने सैम से कहा कि जॉर्जिया तुम्हें जैसा समझती है तुम वैसे ही निकलना, उसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखना। अचानक से पीछे से डोर टूटने का आवाज आया, तोड़ तोड़ कर अंदर कैट आ गई थी। कैट सैम से कहती है कि तुम्हें मारने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। उसे बता ही रही थी तभी एक आदमी को नोटिस करते हैं, वो सैम पर गोली चलाता, इससे पहले कैट ने उसे शूट कर दिया। थॉमस जल्दी से भागकर जॉर्जिया को घर में छुपा देता है। जॉर्जिया बहुत डर गई थी तो सैम ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सैम पर और एक आदमी ने हमला कर दिया था। जॉर्जिया और थॉमस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर बाहर काल ने इन्हें रोक लिया। काल जॉर्जिया को मारने वाला था तभी थॉमस उस पर हमला कर देता है। थॉमस ने जॉर्जिया को बचा लिया था। इसी के पैरेलल में जब कैट पर हमला हो रहा था तो सैम उसे बचा लेता है। ये सब लोग बहुत ही डर गए थे और एक ही इंस्टेंट में सैम ने कैट को गले लगा लिया और थॉमस ने जॉर्जिया को। इन सब ने रियलाइज किया कि अब टाइम आ चुका है कि लाइफ में आगे बढ़ पाए। जॉर्जिया और थॉमस एक दूसरे से प्यार करते थे, कैट और सैम को भी अब एक दूसरे से प्यार हो गया था, तो अब ये डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की वे में नहीं आएंगे। अपनी रियलाइजेशन के बाद सैम और कैट एक साथ थे, अलग अलग कंट्री से घूमते हैं। सैम का फ्रेंड गिल हमेशा से चाहता था कि सैम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाए। अब सैम ने एक्चुअल में अचीव किया है, वो कैट से बहुत प्यार करता है तो इन सब के बारे में वो गिल्स को बता देता है। गिल्स भी उसका लेटर पढ़कर उसके लिए खुश था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।